स्वागत है। मैं हूं मनोज और जिंदगी की जंग कैसे जीती जाती है ये मिथिलांचल वासियों से पूछिए और खासकर उन लोगों से जो नदी के किनार में रहते हैं जिनकी जिंदगी हमेशा परेशान और कठिन परिस्थितियों से गुजरती है। ये है बागमती नदी। जैसा कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी कहा था कि जो स्थिति है मुजफ्फरपुर मधुबनी और समस्तीपुर के पूरे नदी का जो जल स्तर है उसका दबाव ये बागमती करे अधवारा समूह पर पड़ता है। ये वही नदी है, देखिए स्थिति स्थिर है, हालांकि एक दो फीट तीन फीट तक नीचे जाने की बात लोग कहते हैं। पानी कैसे कितना गया है नीचे, क्या अभी पानी कहाँ गया है? एक डेढ़ फीट पानी नीचे गया। क्या स्थिति था पहले? पहले तो बुरा स्थिति था, जो बांध टूटने वाला था, बांध टूटने वाला था। उसके बाद जो है से प्रशासन अपना काम धाम किया, उस पर रुक गया, पानियों भी घटने लगा, इसलिए जो है से अब लोग कनी स्थिर है। कल जो बारिश हुआ उसके बाद क्या स्थिति है? समान, एक फीट से ज़्यादा पानी नहीं घटा। और ये शहरी बांध है, इसकी सुरक्षा के लिए किस तरह का काम हो रहा है? कहा कि इंजीनियर सब काम कर रहा है, अच्छा कैसा काम किया? काम अभी कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा, काम बंद है अभी, कहीं ऐसा हुए अब नहीं हो रहा है, जो हुआ था वो भर दिया गया। खासकर खराजपुर गांववासी लगातार अपने तटबंध की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि ये तटबंध जो है सिर्फ खराजपुर को ही नहीं बचाता बल्कि पूरे शहर को डूबने से बचाता है। जहां डीएम व्यवहार न्यायालय के अलावा एसएसपी कार्यालय सभी कार्यालय हैं, शहर का जो मुख्य बाजार है वो, अगर थोड़ा सा भी खराजपुर गांववासी सतर्क नहीं रहते तो इस बार विजया बांध या फिर जो पहले टूटा था या फिर चमरटोली बांध के पास जो लीकेज था उससे पूरा शहर डूब जाता। तो जो हम ये कहना चाहते हैं कि बांध के नज़दीक रहने वाले कितने असुरक्षित हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए खराजपुर के लोग तत्पर हैं, लेकिन इन लोगों के अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं गया है। पूरी तरह मुखिया की लापरवाही का आरोप इन्होंने लगाया, यहाँ तक कि कई जगह ऐसे हैं, यहाँ तक कि डीएम ने खुद कहा है कि 50% से अधिक लोगों के अकाउंट में पैसे चले गए। चलिए हम आपको पैसा आपके अकाउंट में आया था? नहीं आया। आपका ले गया अकाउंट नंबर सब ले गया? ले गया। किस कौन किसको दिए? वार्ड नंबर को। वार्ड नंबर दिया, कितना दिन हो गया? 4-5 दिन हो गया। आपको मिला? नहीं सर, हम लोग को भी नहीं, कहाँ मिला है। 4-5 दिन पहले ले गया, उसके बाद कहता है जो झगड़ा झाँटी लोग जाता है ब्लॉक में कर लेता है सब स्टाफ, और उसके बाद जो है पैसा को कोनो 2 साल से अथी नहीं मिलता है हम लोग को। हाँ सर, हम लोग का कुछ नहीं मिला, आधार कार्ड सब कुछ दिए, खाता नंबर दिए, परेशान वार्ड नंबर दे दिए, से मिलेगा बाढ़ पीड़ित, कुछ नहीं मिला। हम लोग कुछ विकास ही नहीं हो रहा है, देख रहे सब परेशान है हम लोग। हाँ सर, हम लोग के भी नहीं मिला है पैसा, अब न मुखिया थी करते हैं, न वार्ड वाला करते हैं, और न खाता पर पैसा आया है। अच्छा, क्या सुने हैं आप लोग, क्या मिलना है आप लोग को? सर कहाँ मिला ये, क्या क्या मिलना था, क्या मिला? राहत नहीं मिला हम लोग को ना। कितना पैसा मिलना था मालूम है? मालूम क्या कह रहा है, 6,000 रुपया मिलेंगे जैसे पहले रोती मैंने मिला नहीं, जैसे अकाउंट नंबर जमा कर दिया। हाँ, अकाउंट नंबर जमा कर दिए हैं, आधार कार्ड भी दे दिए हुए हैं। कितना पैसा मिला आपको? 100 रुपया नहीं मिला है, आधार कार्ड ये सब जमा है, अकाउंट नंबर सब है जमा हुआ, 100 रुपया। तो चलिए हम बता दें, देखिए इतने लोग हैं, जब मीडिया पहुँचती है तो मीडिया की आवाज़ आती है, तो जन हम ये बात कहना चाहते हैं जब मीडिया को आती है जिंदगी और मौत से योजना पड़ता है। इस बार जैसे बता दें कि जितने लोगों की मौत हुई है वहाँ का यही स्थिति है कि सांप भी इसमें चले आते हैं सुरक्षित जगह, और ऐसे में ही सांप काटने से मौत होती है, तो दर्जनों लोग अभी तक जीत चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, उन्हें सरकार पर अविश्वास होता है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और ये चुनाव में विपक्षी जो है इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाएंगे कि आज पैसा नहीं मिला है। ये बात जिम्मेवारी बनती है मुखिया की, वार्ड मेंबर की, अगर वो आप किसी के अकाउंट नंबर आधार कार्ड